गुड आफ्टरनून क्लास। क्वालिटी वाले लेक्चर में, इससे पहले क्वालिटी के लेक्चर में आर्टिकल नंबर 32 पूरा कंप्लीट करा दिया था। आर्टिकल 32 पूरा कंप्लीट करा दिया था। आर्टिकल नंबर 33 है। आर्टिकल नंबर 33 इंडियन पॉलिसी अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? या संसद को या अधिकार देता है। आर्टिकल नंबर 33 संसद को या अधिकार देता है कि वह सैनिक, पुलिस और जो सीबीआई होते हैं, जो सीआईडी होते हैं, सीबीआई और सीआईडी का जो पूरा खेमा होता है उसको कहते हैं एजेंसी। जो वो एजेंसी होती है कौन सी? खुफिया एजेंसी। पुलिस, आर्मी और खुफिया एजेंसी के लिए ये जो संसद है कभी भी मूल अधिकारों को रोक सकती है। समझ में आ रहा है? यह अनुच्छेद, यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह पुलिस, आर्मी, खुफिया एजेंसी मतलब सीआईडी, सीबीआई। समझ में आया? सीआईडी, सीबीआई, इनके ये इनको भी मूल अधिकार क्या नहीं मिले? ये भी तो इंसान है, इनको भी मूल अधिकार है, लेकिन इनके मूल अधिकारों को कभी भी रोका जा सकता है। वो संसद पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों को मूल अधिकार है कि कहीं भी आ जा सकते हैं, बोल सकते हैं, संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये सारे मूल अधिकार हमेशा लागू रहते हैं। ये कब हम लोगों पे नहीं लागू होंगे? कब ये छीन लिए जाते हैं? इमरजेंसी लगने पे, मार्शल लॉ लगने पे छीन लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन पुलिस, आर्मी, खुफिया एजेंसी में डाल दो, सीबीआई सीआईडी पुलिस, आर्मी, सीबीआई, सीआईडी के मूल अधिकार को कभी भी संसद क्या कर सकती? रोक सकती। समझ में आ रहा है? अगर ये कहे हमको घूमना है तो क्या ये आम नागरिक की तरह घूम सकते? इनको जो भी, जितना भी आम नागरिक अधिकार उठाते हैं वो सब क्या ये अधिकार उठा सकते? हाँ ठीक है, सामान्य परिस्थिति है तो उठा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो इलेक्शन के टाइम पे इनकी ड्यूटी लगती नहीं लगती? उसी ड्यूटी पे ही ये बिजी रहेंगे, और कहीं आते जाते हैं क्या? वहीं पे ये बिजी रहते हैं। तो बताओ, अगर ये कह दे नहीं हमको तो घूमने टहलने का अधिकार है, कहीं भी बसने का अधिकार है, हम यहाँ क्यों ड्यूटी करेंगे? हम जाएंगे बसेंगे जाके मुंबई में, हम ड्यूटी नहीं करेंगे? तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 33। बिल्कुल सिंपल है, नहीं है? बताओ, संसद को यह अधिकार देता है कि वो पुलिस, आर्मी, रक्षा बल, रक्षा और सुरक्षा बल के जो भी कर्मचारी हैं उनके जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट में अधिकार सबको मिलते हैं वो उनको भी मिलते हैं, लेकिन इनके अधिकार छीने जा सकते हैं। समझ में आया? किसके? सुरक्षा बल मतलब आर्मी, पुलिस और खुफिया एजेंसी की। आया समझ में इतना? फिर आर्टिकल नंबर 34 देखो। आर्टिकल नंबर 34, आर्टिकल नंबर 34 क्या कहता है कि भैया जब मार्शल लॉ लग जाएगा, मार्शल लॉ समझते हो? मिलिट्री लॉ। देखो मार्शल लॉ, मार्शल लॉ लगने पे, मार्शल लॉ लगने पे सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? केवल कौन सा मौलिक अधिकार नहीं छीना जाएगा, कौन सा अनुच्छेद नहीं छीना जाएगा मौलिक अधिकार में? आर्टिकल नंबर 20 और 21 आर्टिकल क्या कहते हैं उसको? अमर आर्टिकल है। समझ में आया? मार्शल लॉ और इमरजेंसी दोनों अलग अलग होते हैं। इमरजेंसी लगाता है राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति के द्वारा कहला के लगवाया जाता है, लेकिन इसको कहते हैं मिलिट्री लॉ। मिलिट्री लॉ, सैनिक लॉ, यहां पे जो सैनिक चाहेगा वो होगा। कहां पे? जहां पे मार्शल लॉ लगा है। मार्शल लॉ कहां पे लगेगा? अगर उनको लगा कि कोई आतंकवादी
गतिविधि होने वाली है, समझ में आ रहा है। अस्त्र शस्त्र से लोग लड़ने वाले हैं, छोटी मोटी लड़ाई है तो अलग बात है, लेकिन अस्त्र शस्त्र से गोला बारूद बंदूक से लड़ने वाले हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या पुलिस के बस का है वो रोक लेगी? नहीं रोक पाएगी। इसीलिए क्या लगाया जाता है? मार्शल लॉ लगाया जाता है। ये जम्मू एंड कश्मीर में मार्शल लॉ जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा लगता था, अब तो यूनियन टेरिटरी हो चुका है, तो सब कब्जे में है मामला, समझ में आ रहा है। पहले मार्शल लॉ लग जाता था, मार्शल लॉ अगर लग गया इसको मिलिट्री लॉ कहते हैं, सैनिक लॉ कहते हैं। ये अगर लग गया तो जो मिलिट्री कहेगी वो होगा। मिलिट्री कहेगी किसी को बाहर नहीं निकलना तो कोई बाहर नहीं निकल सकता, किसी को मार्केट नहीं जाना तो मार्केट नहीं जाएगा, घर खोलना नहीं है, दरवाजा नहीं खोलना है, तो कोई अगर दरवाजा खोल देगा तो उसको पुलिस फिर नहीं समझाएगी, उसको कौन समझाएगा? सैनिक समझाएगा। और जब सैनिक समझाता है तो समझते हो हाँ वो बहुत खतरनाक होता है, सैनिक सैनिक होता है, अगर एक दो हाथ मार दिए तो वो निपट जाएंगे, है ना। सैनिक लॉ कौन कौन सा आर्टिकल सैनिक लॉ लगाता है? आर्टिकल नंबर 34 याद रहेगा, कोई दिक्कत यहां तक? ये कब लगता है? जब देश में अशांति हो, समझ में आ रहा है, अशांति हो, कानून व्यवस्था चरमरा जाए और लोग अस्त्र शस्त्र से क्या करने लगे? दंगे करने लगे। अब बताओ इतने भयानक पोजीशन में सरकार की क्या बस का है? मोदी जी आके ग्राउंड लेवल पे समझाएंगे क्या? नहीं समझाएंगे। पुलिस को ग्राउंड लेवल पे भेजेंगे समझाने के लिए, पुलिस की कौन सुनेगा? अरे पुलिस वाले को थोड़ा बहुत तो सब जानते हैं कि यार ये हमारे आसपास रहते हैं, मतलब कुछ नहीं, पुलिस वालों को उतना ज्यादा लोग नहीं अहमियत दे सकते, समझ में आया। उनको भी पीठ फाट के बराबर कर देंगे। जब अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं तो पुलिस वाले क्या चीज है? तब कौन आता है? सैनिक आते हैं, समझ में आ रहा है। जब सैनिक आके पूरा कंट्रोल करे तो उसको कहते हैं सैनिक लॉ लग गया, समझ में आया। सैनिक लॉ याद रहेगा, सैनिक लॉ 34 आर्टिकल नंबर 34 में सैनिक लॉ। आर्टिकल नंबर 33 में क्या कहा जाता है? पुलिस आर्मी खुफिया एजेंसी के मौलिक अधिकारों को संसद कभी भी अपने अनुसार फेर बदल या रोक सकती है। आर्टिकल नंबर 33 समझ में आया नहीं है? आर्टिकल नंबर 35 लिखूं, आर्टिकल नंबर 35 ध्यान से देखो। आर्टिकल नंबर 35 ये कहता है संसद को या अधिकार है, संसद को या अधिकार है कि वो मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने में, सक्रिय बनाने में, सुचारू रूप से चलाने में, अच्छे से चलाने में संसद कभी भी उसमें क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है, समझ में आया। मूल अधिकार को हटा नहीं सकती है, प्रभावी बनाने के लिए थोड़ा बहुत बदलाव कर सकती है, समझ में आया। आर्टिकल नंबर 35 संसद मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है, समझ में आया। संसद देखो लिखे दे रहे हैं, संसद मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए क्या कर सकती है? थोड़ा बहुत बदलाव कर सकती है। क्या कर सकती? थोड़ा बहुत बदलाव, मतलब बदलाव तो कानून बना के ही बदलाव होगा, तो मतलब कानून बना सकती है। देखो हमने ये नहीं कहा कि फंडामेंटल राइट को हटा सकती है, फंडामेंटल राइट को हटा सकती है या फंडामेंटल राइट को नहीं देगी, ऐसे नहीं कहा। हमने कहा प्रभावी बनाने के लिए, अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि ये फंडामेंटल राइट की इमेज बनी रहे हमेशा, इसलिए वो समय समय पे क्या कर सकती है? छोटा मोटा कानून बना सकती है, समझ में आया। नोट डाउन करो, नोट डाउन किया? आर्टिकल नंबर 33 क्लियर है? 33 34 35 तक क्लियर है? नहीं क्लियर है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट थे, कहां तक हम आ गए? आर्टिकल नंबर 35, मतलब फंडामेंटल राइट खत्म हुए? नहीं खत्म हुए। फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको अपनी जुबान पे रटे रहना। कोई भी पेपर होगा पॉलिटी से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम गारंटी दे रहे हैं 100% यहां से एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, समझ में आ रहा है। अब आर्टिकल नंबर 36 जब स्टार्ट होगा, आर्टिकल नंबर 36 तो वो किससे स्टार्ट होगा? डीपीएसपी से स्टार्ट होगा,
समझ में आ रहा है? यहां तक के मामला एकदम सेट है, आर्टिकल नंबर 35 तक एकदम सेट है। अब आर्टिकल नंबर 36 जैसे ही आगे बढ़ेगा, जैसे ही 36 लगा, तुरंत फंडामेंटल राइट के बाद अब क्या आ गया, ये भी एक प्रकार का अधिकार है। ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। समझ में आ रहा है? ये भी पहले मूल अधिकार की तरह एक कठोर बढ़िया से अधिकार थे, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सोचा कि हमने 12 से लेकर 35 तक इतने सारे अधिकार दे दिए, कोई अधिकार क्या बचा है? देखो कितने अधिकार है, सारे अधिकार तो दे दिए, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी से बचाव का अधिकार, जेल जाने से सुरक्षा, हर प्रकार का अधिकार हमने दे दिया 12 से लेकर 35 तक। अब उन्होंने कहा और ज्यादा इनको अधिकार देने चाहिए, और ज्यादा अधिकार किसमें दिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व में और ज्यादा अधिकार देने लगे। तब संविधान निर्माताओं ने सोचा जब इतने सारे अधिकार हम पब्लिक को दे देंगे तो फिर सरकार किस काम की, सरकार कैसे सरकार चला पाएगी? जैसे वो कुछ करने चलेगी तुरंत वो कहेगा हमारे पास तो ये अधिकार है, हमारे पास तो ये अधिकार है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इन अधिकारों को, ये जो डीपीएसपी में जो अधिकार है, इन अधिकारों को गैर न्यायोचित बनाया गया है। इन अधिकारों को, अगर ये अधिकार तुमको नहीं मिलते हैं, डीपीएसपी वाले अधिकार तुमको नहीं मिलते, तो तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इनका हनन होता है, राज्य करता है हनन, तब भी तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, किसमें, जो डीपीएसपी में अधिकार है। समझ में आ रहा है? हेडिंग डालो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के पॉलिटी में भाग नंबर 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट, भाग नंबर 3। समझ में आ रहा है? अब कौन सा भाग आ जाएगा, भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व। समझ में आ रहा है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। समझ में आया? भाग 4 उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या फंडामेंटल राइट के जितना इंपॉर्टेंट है? नहीं। भाग नंबर 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व पूछा गया है। भाग नंबर 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व में कितने सारे आर्टिकल पढ़ने, 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 35 तक हमने पढ़ लिया, 36 से 51 तक किसमें पढ़ने, डीपीएसपी में। कितना आया समझ में? जब भी हम बोले अब डीपीएसपी तो समझ जाना है किसकी बात हो रही, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बार बार इतना नंबर लंबा नाम लेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, तो डीपीएसपी आ जाएगा समझ में। हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिखो। ये भाग नंबर 4 में है, भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन है, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक लिखे हैं। संविधान निर्माताओं ने इसे 1937 में, इंपॉर्टेंट है, संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी को 1937 में नकल की थी, देखा था कहां से, आयरलैंड से। हमने डीपीएसपी कहां से लिया है पूछा जाता है, ये डीपीएसपी हमने अपने संविधान में कहां से रखा है, आयरलैंड से, 1937 में। तब तो देश नहीं आजाद हुआ था, 1937 में कहां आजाद हुआ था, 10 साल के बाद आजाद होगा, लेकिन 1937 में हमने अपने दिमाग में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिमाग में रखा
कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हम आयरलैंड की तरह डीपीएसपी अपने संविधान में रखेंगे। इतना आया समझ में? 1937 में ये धारणा इनके मन में आई, जब देश आजाद हुआ तो हमने डीपीएसपी को रखा, लेकिन हमने कहां से लिया डीपीएसपी को? आयरलैंड से लिया, याद रखना, आयरलैंड से लिया। फिर संविधान निर्माताओं ने पूछा आयरलैंड से कि तुमने कहां से लिया था डीपीएसपी? डीपीएसपी का जनक जो देश है वो स्पेन, आयरलैंड ने स्पेन से लिया था, आयरलैंड ने स्पेन से ये डीपीएसपी वाला फॉर्मूला लिया था, समझ में आया? लेकिन भारत ने किससे लिया है? आयरलैंड से लिया। कंफ्यूज ना होना, वहां पे स्पेन ना लगा देना, स्पेन से आयरलैंड ने लिया था, हमने आयरलैंड से लिया, समझ में आया? भारत ने लिखे दे रहे हैं, पूछा गया भारत ने डीपीएसपी आयरलैंड से क्या किया था? ग्रहण किया था, याद रहेगा, आयरलैंड से, आयरलैंड से किससे? आयरलैंड ने किससे ग्रहण किया? स्पेन से। तो बताओ डीपीएसपी का जनक कौन हुआ? आयरलैंड या स्पेन? स्पेन हुआ जनक। स्पेन ने आयरलैंड को सिखाया, आयरलैंड ने किसको सिखाया? भारत को सिखाया। इतना याद रहेगा। फिर लिखो ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ग्रेनविल, ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 32 को आत्मा किसने कहा था? आर्टिकल नंबर 32 को किसने कहा था आत्मा? भीमराव अंबेडकर ने कहा था, समझ में आ रहा है? डीपीएसपी को ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? मूल आत्मा कहा है संविधान का, याद रहेगा, मूल आत्मा संविधान की कौन है? डीपीएसपी, समझ में आया? अब डीपीएसपी का मतलब क्या होता है इसमें देखना है, डीपीएसपी का अर्थ क्या है। राज्य जब कानून बनाएगा, राज्य मतलब भारत, ध्यान से सुनो, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था उस समय मूल अधिकार को मूल अधिकार रखा। का मूल अधिकार? तो मूल अधिकार है किसके? जनता के मूल अधिकार ये मिलने चाहिए, समझ में आया? उसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व को भी क्या बना दिया? अधिकार बना दिया। शुरुआत में इसको क्या किया, स्टार्टिंग में ऐसा सोचा इन्होंने कि ये भी न्यायोचित होना चाहिए। न्यायोचित मतलब अगर सरकार इसको देख के ना बनाए अपने कानून तो सुप्रीम कोर्ट में इंसान जा सकता है। लेकिन फिर उनके दिमाग में आया, हमने इतना कुछ दे रखा है किसको? जनता को दे रखा है इतना कुछ, अब क्या जरूरी है और ज्यादा देना? नहीं जरूरी है, इसीलिए इसको गैर न्यायोचित बनाया। ये जो राज्य के नीति निदेशक तथ्य है इसका ये मेन मतलब ये है, ये सिखाता है किसको? ये राज्य को, ये भारत को सिखाता है कि इसमें जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो बात कही गई है इसको देख के क्या बनाने चाहिए? कानून बनाने चाहिए, समझ में आया? अब लिखो, राज्य मतलब भारत, राज्य मतलब क्या होता है पॉलिटी में? भारत, समझ में आ रहा है? राज्य जब भी कानून बनाए तो वो डीपीएसपी को ध्यान में रख के कानून बनाए, ऐसा संविधान निर्माताओं ने कहा। ये डीपीएसपी राज्य को सिफारिश करते हैं कि जब राज्य कानून बनाए तो डीपीएसपी को जरूर ध्यान में रखे, समझ में आ रहा है? फिर लिखो कोई, डीपीएसपी राज्य को लोक कल्याणकारी, राज्य डीपीएसपी राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं, समझ में आया? ये जो डीपीएसपी है इनका मेन फोकस क्या है? राज्य को लोक कल्याणकारी बनाना, राज्य को लोक कल्याणकारी बनाना, समझ में आया? इतना ध्यान रहेगा। ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता
को देखते हुए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता को देखते हुए इसमें क्या है, अनुच्छेद है। और जब इसको देख के कोई राज्य बनाएगा कानून, तो बताओ वो भी समानता का पूरक बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हुई वही बात नहीं हुई। डीपीएसपी कहा जाता है संविधान निर्माताओं का स्वप्न है। डीपीएसपी संविधान निर्माताओं का स्वप्न है। देखो इसकी क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ लिख लो या एम लिख लो। इसका एम क्या होता है डीपीएसपी का? जब भी राज्य, राज्य मतलब दोनों रख लो, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान और समस्त भारत, पॉलिटी में राज्य शब्द जब भी है तो क्या है, पूरा भारत, भारत साफ साफ दिखे दे रहे हैं, भारत जब भी कानून बनाए तो डीपीएसपी को देख के बनाए। हमने कहा डीपीएसपी को देख के बनाए, लेकिन हो सकता है कि राज्य डीपीएसपी को देख के ना बनाए। मान लो राज्य नहीं बनाता डीपीएसपी को देख के, तो क्या होगा? तो मतलब क्या है, तो कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर मोदी जी डीपीएसपी को देख के, क्या डीपीएसपी को देख के तुमको लगता है हर जितनी भी गवर्नमेंट आती है डीपीएसपी को देख के क्या बनाती है कानून? नहीं बनाती है। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते जाके? नहीं खड़े होते। देखो ध्यान से, भारत जब भी कानून बनाए तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाए, ऐसा कहा गया। किसने कहा है? संविधान निर्माताओं ने कहा है भविष्य में, किससे? जो गवर्नमेंट आने वाली उससे कहा है कि ऐसा करना। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। ये गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित है मतलब अगर सरकार ने डीपीएसपी पे फोकस नहीं किया, अपने मन से कानून बना दिया, उसने नहीं करता वो फोकस, राज्य सरकार नहीं करती फोकस, सारी राज्य सरकार करती है क्या? नहीं करती फोकस, भारत सरकार नहीं करती फोकस, नहीं बना रही वो इसको देख के कानून, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में उसको सजा बोली जाएगी? नहीं बोली जाएगी। ये सिर्फ कहा गया कि तुम्हारा कर्तव्य है। किसका कर्तव्य? सरकार का ये कर्तव्य। डीपीएसपी क्या है? कर्तव्य मात्र। कर्तव्य मतलब समझते हो? कर्तव्य कहते हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, काम करो। अगर वो कर्तव्य तुमने पूरा नहीं किया तो क्या कोई कुछ कहेगा? नहीं कहेगा। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार राज्य के पूछे जाए कर्तव्य कौन से हैं, डीपीएसपी को देख के कानून बनाना। अगर डीपीएसपी को नहीं देख के बनाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जिसने पॉलिटी पढ़ रखी है, वो जब इलेक्शन होगा 5 साल के बाद, जब 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, तब वो गवर्नमेंट से पूछेगा कि कहीं डीपीएसपी लिखा है नहीं लिखा है, तब गवर्नमेंट बताएगी हाँ आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक लिखा है। कहा उसको देख के तुमने कोई कानून बनाया है, तब उनको जवाब, सिर्फ एक कैजुअल तरीके से जवाब वो दे सकते हैं पटल पे। समझ में आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जनता को जवाब दे सकते हैं। ये जनता को जवाब दे, जनता को जवाब दे। समझ में आ रहा है? डीपीएसपी किसको जवाब दे है? सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को जवाब दे नहीं, जबकि फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे है, और ये जनता को जवाब दे है। जनता ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? उससे तुमने पूछा, जनता ने पूछा डीपीएसपी को देख के नहीं बनाया कानून, सरकार ने कहा नहीं बनाया कानून, तो जनता कहेगी हम तुमको वोट नहीं देंगे। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी 10 वोटों से हम जीत भी नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जनता उसको सजा बोल सकती? नहीं बोल सकती। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको फ्री कर रखा, नहीं कर रखा, उसने कहा यहां पे डीपीएसपी से कोई मामला आया तो हम नहीं देखेंगे, सरकार का वो मुद्दा है, सरकार चाहे तो वो देख के बनाए, ना चाहे ना बनाए, वो जनता और सरकार का मुद्दा है, हमारा मुद्दा नहीं है। समझ में आया? डीपीएसपी संविधान निर्माताओं का स्वप्न है। उन्होंने कहा हमारा ऐसा ये सपना है कि जो भी भविष्य में सरकार आए वो किसको देख के कानून बनाए? डीपीएसपी को देख के कानून बनाए। लेकिन डीपीएसपी को देख के अगर कानून नहीं बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाए नहीं जा सकते।
ध्यान रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाए नहीं जा सकते, कौन से डीपीएसपी, समझ में आए, ये भी एक प्रकार के अधिकार है, लेकिन ये गैर न्यायोचित अधिकार, लिख लिया गैर न्यायोचित अधिकार, क्लियर हुआ, इनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, समझ में आया। अब आर्टिकल शुरू करें, आएगा समझ में, आर्टिकल नंबर 36, इसी डीपीएसपी में, ये डीपीएसपी किसमें है, भाग नंबर 4 आर्टिकल नंबर देखो 36 से 51 तक पढ़ेंगे, कितने आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ेंगे। अब पहला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 36, आर्टिकल नंबर 36 वही आर्टिकल सेम दोहराया गया है जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट की स्टार्टिंग में था, आर्टिकल नंबर 12 को ही आर्टिकल नंबर 36 का हमशकल कहा जाता है, समझ में आया, हमशकल आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 12 ही हमशकल है किसका, आर्टिकल नंबर 36, 12 में क्या कहा गया था, राज्य की परिभाषा, अब बताओ राज्य की परिभाषा उसमें भी तो हमशकल ही है, तो इसको क्वींस आर्टिकल कौन सा है बताओ, क्वींस आर्टिकल हमशकल आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 36 किसका हमशकल है, 12 का, देखो आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य की, ध्यान रहेगा राज्य की परिभाषा, आर्टिकल नंबर 12 भी राज्य की परिभाषा एकदम सेम है, इसमें कुछ पढ़ना है क्या, आर्टिकल नंबर 12 तो पढ़ रखा है ना, आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा कैसे बनती है, राज्य मतलब भारत, भारत की परिभाषा क्या है, भारत की परिभाषा ये है कि पूरा जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, उसमें जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को बता दो तो क्या हो गई, राज्य की परिभाषा हो गई, नहीं हो गई, लेकिन 145 करोड़ जनसंख्या है, सबके नाम अगर लिखने लगे तो पूरा संविधान ऐसे ही भर जाएगा, पूरी बुक भर जाएगी, तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक में बताना है, जब शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, समझ में आ रहा है, राज्यसभा, समझ में आ रहा है, और जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री है, सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, इन सबको मिला दो भैया, तो पूरा 145 करोड़ जनसंख्या इसमें आ गया, नहीं आ गया, हो गया राज्य शॉर्ट फॉर्म में, वही सेम किसमें, आर्टिकल नंबर 36 में, समझ में आया, आर्टिकल नंबर 37, आर्टिकल नंबर 37 देखो क्या है, डीपीएसपी बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, मतलब कि इसको तुम सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, जिसको डीपीएसपी को, डीपीएसपी गैर न्यायोचित, गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित मतलब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, आर्टिकल में ही लिख दिया है, अब कोई मूर्ख हो तो जाए, समझ में आ रहा है, अब जो मूर्ख है उसने फंडामेंटल राइट थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो सोचेगा जैसे मौलिक अधिकार है वैसे ये भी अधिकार है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही तो लाओ सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाए, समझ में आ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो वो क्या कहेगा, कहेगा अजीब बेवकूफ आदमी हो, हमने तो यदि आर्टिकल रखा है, नहीं रखा आर्टिकल नंबर 37 नहीं पढ़ा, आगे चल के आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट दौड़ के मत आना, हाईकोर्ट दौड़ के मत जाना अगर डीपीएसपी का मामला है तो, समझ में आ रहा है, आर्टिकल नंबर 37 क्लियर, आर्टिकल नंबर 38 लिखो, आर्टिकल नंबर 38 में क्या कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित कराना होगा, किसमें कहते हैं, डीपीएसपी के 38वें आर्टिकल में कहते हैं, अगर तुमको अच्छा राज्य बनाना है, ये कौन कह रहा है,
संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 38, देखो ध्यान से समझना, जब संविधान निर्माताओं ने लिखा तो वो क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, वो इंडिकेट ये 38 में ये करना चाहते हैं कि आप जब भी कानून बनाए तो क्या ध्यान में रखें, सामाजिक लोक कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, कह रहे लोक कल्याणकारी राज्य अगर तुमको बनाना है किसको, सरकार को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक असमानता, अगर असमानता है तो असमानता को दूर करके, असमानता दूर करके, मतलब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की समानता होनी चाहिए, समझ में आया, इसी में है अवसर की समानता भी, अवसर की, अवसरों, अवसर समझते हो ना, जॉब वगैरह, अवसरों की समानता को सुनिश्चित कराओ। लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है तो कितनी चीजें, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय में समानता, अवसरों में समानता, इतना ही करा दो, कह रहे 38 में, तो काम चल जाएगा, समझ में आ रहा है। इनके कहने का मतलब है कि राज्य जब क्या बनाए, कानून बनाए, कौन, राज्य जब कानून बनाए तो जब 38 आर्टिकल नंबर 38 को वो देखे, किसको, आर्टिकल नंबर 38 को देखे, तो आर्टिकल नंबर 38 में क्या लिखा है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या करना होगा, ऐसा कानून बनाओ जिसमें आर्थिक सामाजिक राजनीतिक समानता दिखे, समझ में आ रहा है, और अवसरों की भी समानता हो, आया समझ में, आर्टिकल नंबर 39 इंपॉर्टेंट है वो, आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 38 आया सबको समझ में, आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है, देखो इसमें कई सारे पॉइंट है, किसमें, आर्टिकल नंबर 39 में, 39 भी ये बताता है कि ये देख के तुम क्या बनाओ, कानून बनाओ तो राज्य कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा, लोक कल्याणकारी बनेगा, एक अच्छे राज्य की स्थापना होगी। पहला पॉइंट क्या है इसमें, देखो, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन जुटाने का अधिकार, पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार लिख सकते हैं, सभी नागरिकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए, मान लो आज जाड़ा, अभी ठंडी हो रही, तो ठंडी में किसी को लकड़ी चाहिए, समझ में आ रहा है, लकड़ी चाहिए तापने के लिए, दो टाइम रोटी चाहिए खाने के लिए, समझ में आ रहा है, कपड़ा चाहिए, समझ में आ रहा है, तो वो इन चीजों को राज्य से ग्रहण कर सकता, नहीं कर सकता, कमा के कैसे भी कर, छीन के नहीं, चोरी करके नहीं, समझ में आ रहा है, सकारात्मक तरीके से क्या कर सकता है, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, समझ में आ रहा है, क्या कर सकता है, साधन समझते हो ना, साधन जो हम लोगों के उपयोग में आते हैं उनको क्या कहते हैं, साधन, उन साधनों को प्राप्त करने का अधिकार है, किसमें, आर्टिकल नंबर 39 में, समझ में आया, फिर लिखो दूसरा पॉइंट, धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण पे रोक, पहला पॉइंट है जीवन निर्वाह के लिए साधन प्राप्त करने का
अधिकार। पहला वाला पॉइंट समझ में है, जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए साधन जुटाने का अधिकार। फिर दूसरा तुरंत पॉइंट ये रखा है, साधन जुटाओ लेकिन इतने साधन ना जुटा लो कि दूसरे को ही साधन ना मिले। समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कहता, धन और उत्पादन के संकेंद्रण पे, संकेंद्रण मतलब कलेक्ट करना, संकेंद्रण पे रोक। रोक कौन लगाएगा, राज्य सरकार लगाएगी। धन और उत्पादन के संकेंद्रण, संकेंद्रण मतलब कलेक्ट करना। समझ में आ रहा। मान लो कि हमारे पास बहुत पैसा है।